वेलकम बैक टू माई चैनल. कैसे हो आप सब? आई होप आप मेरे वीडियोज देख रहे हो. तो आज हम गेट रेडी विथ मी करेंगे, थोड़े टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी चीजें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है. तो अगर आप सुनना चाहते हो वो सब चीजें, तो मेक श्योर कि आप मुझे सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज आई पोस्ट एवरी डे. तो एक क्राइटेरिया से आपको नहीं बोल रही हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, अगर कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो आई थिंक दैट वुड मीन अ वॉच. यू कैन डू दैट क्योंकि वो फ्री है, ठीक है. तो क्या आज टॉपिक, हम लोग आज सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं, या हाउ टू जस्ट कीप ऑन वर्किंग खुद के ऊपर एंड मेकअप भी करेंगे साथ ही साथ. क्योंकि ना मैं जब बात करने को बैठती हूँ ना तो हम भूल जाते कि हमको काम भी करना है. बट सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं, खुद को प्यार करना या खुद को हमेशा प्रायोरिटी में रखना. बेसिकली देखो, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, या बाकी सब मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर वगैरह लगाया है और कंसीलिंग करेक्टर किया है मैंने. मैं क्या ढूंढ रही हूँ ना, हाँ मैं फाउंडेशन ढूंढ रही हूँ. ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट स्टेप से चालू करेंगे, फाउंडेशन से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं. फाउंडेशन यहाँ पे है भी नहीं. ओके, बट छोड़ो, मैं बात करती हूँ लोगों के साथ. हाँ, तो हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि सैड मोमेंट्स एंड सिचुएशंस तो लाइफ में है ही, उसका कुछ भी ऑप्शन नहीं है कि वो नहीं रहेगा या जो भी है. तो वो चीज़ को लेके बैठने से अच्छा आई पर्सनली प्रेफर कि आप ज़्यादा अपने आप पे फोकस करो. कैसे करना है, मैं जितना हो सके आपको हेल्प करती हूँ मैंने कैसे किया है. देखो, अभी एट दिस मोमेंट मेरे लाइफ में मैं कैसे स्टेज में हूँ जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ना एक ऐसे सिचुएशन में हूँ ना जहाँ पे आई पर्सनली फील कि कुछ नहीं है, यू नो, हम लाइफ में बहुत कुछ पर्सनली हमको बहुत कुछ करना. गाइस एक मैडम, मेरे को ब्रश आई है, सो सॉरी, ब्रश का पूरा डब्बा ऊपर था. ओके, तो जैसे मैंने बोला कि एज ह्यूमंस हम बहुत कुछ काम करते ही रहते हैं, बट स्टिल हम एक वो सिनेरियो में गिर जाते हैं वेयर हमको लगता है दैट वी आर नॉट गिविंग अप बेस्ट. एंड वो बेस्ट ना देने के वजह से हमको बहुत फील होता है कि समथिंग इज नॉट हैपनिंग एंड वी आर मिसिंग ऑन टू स्टफ्स एंड ऑल ऑफ दैट, विच इज टोटली फाइन. होता है वो चीज़ इन रिगार्ड्स टू एनीथिंग, आपके आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, या आपका रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे, या आपका फैमिली वाइज की चीज़ें भी अच्छे नहीं चल रहे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड. और आज का जनरेशन या आज का जमाना, जनरेशन का भी बात नहीं करेंगे, जमाना का ही बात करेंगे कि ऐसा है ना कि आपको हमेशा फील होगा कि यू आर मिसिंग ऑन टू स्टफ, या आप चीज़ें मतलब आपके आंखों के सामने है पर वो हो नहीं रहा है, या किधर तो यू नो यू आर गेटिंग अफेक्टेड बाय लॉट ऑफ थिंग्स. होता है राइट, कि हम हमारा बेस्ट देते फिर भी वो चीज़ हमारे हिसाब से नहीं जाती, कोई भी चीज़ हो सकती है वो. तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप बैठो, उस चीज़ को समझो जो भी हुआ है आपके लाइफ में, कुछ भी पूरी चीज़ के बारे में बात करूँ मैं, कुछ भी उस चीज़ को लेके बैठो, सोचो थोड़े टाइम के लिए, मे भी दिन ले लो कि ये क्यों हुआ मेरे लाइफ में और किस रीज़न के वजह से हुआ है. देखो, आपको पता है कि वो चीज़ क्या है एग्जैक्टली और वो क्यों हुआ है, और वो जब आप कर लेते हो ना तो आपको पता चलता है कि इससे बेटर चीज़ें लाइफ में आने वाली है या होने वाली है, या आपको नेचुरली यू विल अंडरस्टैंड दिस. और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, बिकॉज मैं पर्सनली अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब जब मैं करती हूँ तो मैं बहुत एक्सपेक्टेशन एज ह्यूमंस हम करते हैं ना कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, और हम उतना काम करते हैं, बट हमेशा उसका पॉजिटिव चीज़ नहीं होती, लाइक गारंटी नहीं है कि आपको वो चीज़ मिलेगा ही मिलेगा. एंड वो सच्ची बात है, ये हम सबको पता है कि वो गारंटी कोई भी नहीं लेता इधर आज के टाइम पे, और होता भी नहीं है. तो क्या करें वैसे सिनेरियो में, तो उस सिनेरियो में आपको सिर्फ इस पे फोकस रखना है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड वो कंटिन्यूटी में काम करो. देखो, कुछ भी काम जब तक आप जिंदा हो आप रुक नहीं सकते, कुछ भी काम आप कर रहे हो अपने लाइफ में, कुछ भी हो वो, आपके आपके करियर को लेके हो सकता है, या आपके फैमिली ग्रो करने के हिसाब से हो सकता है, जो भी है, या पर्सनल रिलेशंस के हिसाब से हो सकता है, कुछ भी काम जो आप कर रहे हो ऑन द प्रेजेंट बेस, यू कैन नॉट स्टॉप. ओके, कि चलो आज इतना कर लिया तो आज रुक जाते हैं, राइट. तो वही समझ के आगे चलते जाओ कि आज ये अगर हुआ नहीं अच्छा, उसको कुछ हटके में करते, ठीक है. मैं अपना पर्सनल आपको सिचुएशन बताती हूँ. मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मेरे दिमाग में कभी भी नहीं था कि मेरे को इसको एक ऐसे फुल टाइम के जैसे करना है, मेरे को इसमें बहुत ये सिर्फ इतना ही था कि आई रियली लाइक डूइंग यूट्यूब वीडियोज, आई लाइक टॉकिंग, आई लाइक शेयरिंग माई स्टफ, जो है नेचुरली है, मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ों का शौक है. एंड आई पर्सनली फील कि मैं इस वे में बहुत इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं ज़्यादा लोगों के साथ मिलना नहीं पसंद करती हूँ, या बाहर जाना पसंद नहीं करती हूँ. इट्स बेटर फॉर मी कि मैं घर पे रहूँ अपने साथ. तो उस वे में मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब करते हैं, बिकॉज उसमें आप वो भी काम कर रहे हो, प्लस आप इनडायरेक्टली लोगों से भी मिल रहे हो ना,
तो इसके वजह से वो उस वे में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, एंड बल्कि इसका कभी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कैसे होगा क्या होगा. और बिकॉज मैं उतना हार्डवर्क नहीं करती थी या उतना जितना पोटेंशियल है कुछ भी नहीं करती थी. पोटेंशियल जो सोचो 100% का होगा, पर मैं कुछ भी नहीं करती थी. बिकॉज वो मैं बोला ना, मैंने एक फेम के लिए, मनी के लिए, या उस वे में मैंने कभी भी यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था और ना ही मैं अभी भी कर रही हूँ जेन्युइनली स्पीकिंग. पर अभी मेरी कंसिस्टेंसी इस रीजन की वजह से आई है कि मुझे देखना है कि अभी तक जो मैंने किया नहीं है वो आगे जाके मैं कर पाती हूँ या नहीं. जैसे मुझे ग्रो होना है, मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड में चीजें अचीव करने हैं, दैट इज यूट्यूब में. तो मैंने अभी पूरा इसको सीरियस लिया. जैसे आप देख सकते हो मैं रोज वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बल्कि दिस इज नॉट ईजी. इतना ज्यादा डिफिकल्ट है यूट्यूब. कोई भी चीज डिफिकल्ट होती है, बट स्पेसिफिकली यूट्यूब. आपको फर्स्टली आपको कॉन्टेंट सोचना होता है रोज का, कि आप क्या नया डालोगे जो आपके व्यूवर्स को अच्छा लगेगा. और आपको कंसिस्टेंट रहना है कि आज डाला, फिर दो दिन, फिर बोलते ना आप एक महीना गायब, वो नहीं चलता है यूट्यूब में. सबसे यूट्यूब में सबसे मेन चीज है कंसिस्टेंसी. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट AF, तभी जाके लोग आपको याद रखेंगे या आपके वीडियोस देखेंगे. और जब से मैंने वो चालू किया, दैट इज मैंने अगस्त से ये चीज चालू किया कि मैं बहुत कंसिस्टेंट हो गई हूँ. तो जब से मैंने वो चालू किया ना, मेरे को इतना अच्छा ग्रोथ दिखा मेरे चैनल पे. अगर आप देखो मेरे हजार, जब मैंने अगस्त में चालू किया था ये सब करना कंसिस्टेंट वाला चीज, मेरे तभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे. आज देखो आज मेरा 200 तक हो गया है सब्सक्राइबर्स, 1000 प्लस हो गए. तो फिर भी आई पर्सनली थिंक कि ये भी बहुत छोटी है, इससे भी ज्यादा होना चाहिए. बट हो तो रहा है ना कुछ ग्रो. देखो आज के मतलब भले आज 1000 रुपये नहीं है, बट आज 10 रुपये 20 रुपये तो आई कैन सर्वाइव, राइट? तो यही सोच के आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट एंड नॉट लेटिंग इट गिव अप. बेसिकली आपको बता दूं, सेल्फ लव आप कैसे अपने लाइफ में इंकल्केट कर सकते हो. सबसे मेन चीज है ना कि आप जितना हो सके ना जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स जो आपको अच्छा लगता है. आपको 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 पता है ना, सबसे ज्यादा आप अपने आपको पहचानते हो. आपको पता है आपको क्या चीज अच्छी लगती है क्या बुरी लगती है. तो इन दैट वे आप बैठ के सोचो कि आपको क्या है अच्छा लगता है बुरा लगता है. और उस चीज को ना जब आप लिखते हो तो आपको पता चलता है कि ये बुरी चीज है ये अच्छी चीज है, और उसको टिक मार्क करते जाओ कि ये मुझे करना है ये मुझे नहीं करना है. और जब आप करते जाते हो ना, आप इनडायरेक्टली हैप्पी बनना हो जाते हो चालू, एंड यू ऑल्सो फील सेटिस्फाइड, एंड तभी दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव. सेल्फ लव का ऐसा कुछ मतलब नहीं कि आपको आपके साथ बैठना है, हग करना है, कि आपके खुद के साथ वो सब तो नहीं कर सकते, राइट? बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से सेल्फ लव इज ओनली वेन यू डू थिंग्स दैट यू लव. ओके, जैसे मैं अपना पर्सनल बोलती हूँ, मुझे मैं पहले, अगर आप मेरे पहले की वीडियोज देखो, आई वॉज अ वेरी फैट पर्सन बोलो या किड बोलो जो भी है, मतलब मैं बहुत मोटी थी. आई हैव नॉट ग्रोन फैट, लाइक मैं बचपन से मोटी नहीं थी, बट जब हम वो एक स्कूल के ड्यूरेशन में होते हैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते 9-10 के ड्यूरेशन में, आई वॉज वेरी फैट. तो उस टाइम पे मैं अपना केयर भी नहीं लेती थी जो भी है. बट आफ्टर स्लोली स्लोली मुझे ना फिटनेस में बहुत शौक होने लगा. मैं जिम जाना चालू किया, और जिम में जो मैं वर्कआउट करती थी उसके बाद जो मुझे फील होता था, एक ओपननेस फील होता था, एक गुड फीलिंग आती थी व्हेन यू वर्कआउट, यू फील गुड, राइट? तो वो फीलिंग की वजह से ना आई नेवर गेव अप ऑन जिम. और वो करते करते ना इनडायरेक्टली मेरा शेप अच्छा हो गया, आई स्टार्टेड लुकिंग गुड. मेरे को इंटरनली, सबसे ज्यादा बाहर का छोड़ो, आप अट्रैक्टिव तो दिख सकते हो कुछ ना कुछ करके, बट इंटरनली लाइक फ्रॉम माई हार्ट एंड फ्रॉम माई माइंड मेरा इतना ज्यादा फ्रेशन अप चीजें हो गए, बहुत चीजें दुनिया अलग दिखने लगी. उसके बाद एज आई टोल्ड यू, यूट्यूब को सीरियस ले लिया, कंसिस्टेंसी बढ़ाया मैंने. कंसिस्टेंसी कैसे, मैंने माइंड पे वो क्लियर रखा है, कुछ भी हो जाए भले यू नो बुचाड़ आ जाए, ये आ जाए, मतलब अपना क्या बोलते हैं, लाइक वोल्केनो आ जाए या सुनामी आ जाए, हम वीडियोज तो अपलोड करेंगे. वो एक दिमाग में मेरा पूरा क्लियर कट एक सिचुएशन, जैसे वो टारगेट जो हम बोलते हैं, वो मैंने अपने दिमाग में कर लिया. एंड आई थिंक आई एम नॉट एबल टू गो बैक, क्योंकि एक जुनून जैसा हो गया, क्योंकि उसका मेरे को रिजल्ट भी दिख रहा है ना, भले थोड़ा हो, आई नो बहुत थोड़ा है, बट फिर भी अच्छा लग रहा है. एंड दैट इज आई थिंक वेरी मच द वे यू कैन इंकल्केट सेल्फ लव, एंड यू कैन टेल योर सेल्फ कि भाई अभी बहुत कुछ कर लिया और कुछ नहीं हो. सबसे मेन चीज जो मैंने सीखा है 24 ईयर्स, अभी मैं हूँ 24 ईयर्स की हूँ, तो आई थिंक आई हैव ओनली लर्न वन थिंग कि आपको कुछ भी अगर इन्वेस्ट करना है ना अपने लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, वो अपने आप ऊपर करो. तो वो किसी भी वे में हो सकता है, आप अपने लिए कुछ खरीदो, या अपने लिए मतलब चलो आपको डांस अच्छा लगता है तो आपने डांस क्लास चालू किया, क्योंकि आप वो सब चीज़ में ना कभी भी दुखी नहीं रहोगे. मैं आपको ये बता के दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको बोला मुझे फिटनेस बहुत अच्छा लगता है, जब से मतलब वो चीज़ मुझे पता चल गया कि मुझे फिटनेस में ज़्यादा शौक है, तो मैं जिम मेंबरशिप मेरा खत्म होने के पहले मैं भर देती हूँ. मैं कभी कभी पर्सनल ट्रेनिंग लेती हूँ. अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हो तो आपको नहीं पता चलेगा
इंस्टाग्राम में फॉलो करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना वर्कआउट करती हूँ एंड इट जस्ट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. ओके, तो वो एक चीज़ है. एंड प्लस मैंने क्योंकि बाकी जो चीज़ें होती है ना, लोगों का बिहेवियर आपके टूवर्ड्स या एनीथिंग रिलेटेड टू वॉट दे बिहेव विथ यू एंड वॉट एवर दे डू, वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो. कोई किसी भी पर्सन का पर्सनैलिटी या नेचर आप अपने हिसाब से कर ही नहीं सकते हो. जो आप कर सकते हो दैट इज योर बिहेवियर एंड योर नेचर टूवर्ड्स यू, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है, बाकी कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. ओके, सो वो जब रियलिटी चेक आपको आ जाती है ना, तो फिर उसके बाद यू आर वेरी क्लियर. एंड दूसरी सबसे मेन चीज ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कोई भी चीज़ों के लिए. वो फाइनेंशियली हो सकता है, फीलिंग के लिए हो सकता है, या कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भी हो सकता है, सामान के वे में या जो भी है. आप बोलोगे कि पॉसिबल नहीं है, बट वो पॉसिबल होता है अगर आप अपना स्टैंड लेते हो और चॉइस करते हो वो करने के लिए. क्योंकि आज के टाइम पे डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर भी डिपेंड रहना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो बंदा या बंदी आपको सुना के देगा ही. ओके, सो बी वेरी मच क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट एंड हाउ यू वॉन्ट एंड बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत सच्चा रहना है आज के टाइम पे, भले आज के टाइम की भी बात नहीं, जनरली बहुत सच्चा रहना है. भले वो सामने वालों को हर्ट भी हो जाए ना, चलेगा, बट बी वेरी क्लियर. कुछ भी जो भी आपको चाहिए और कैसे भी आपको चाहिए ना, बी वेरी क्लियर विथ योर सेल्फ फर्स्ट एंड द फ्रंट पर्सन देन. सेल्फ लव का गुणगान मैं पर्सनली इसके वजह से इतना गा रही हूँ क्योंकि मेरे में ये बिल्कुल नहीं था. आई वॉज कम्प्लीटली नॉट अ पर्सन जो मैं खुद को चाहती थी, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट जो एक फैट पर्सन होता है ना, दैट पर्सन ऑलवेज गोज थ्रू अ लॉट ऑफ रिजेक्शन, बिकॉज कोई उनको लाइक नहीं करता, वो नेचुरल रहता है, राइट? लाइक तो आई हैव बीन थ्रू दैट सिचुएशंस अ लॉट, तो मेरे को हमेशा वो चीज़ पता था. बट उसके बाद जब मैंने अपनी अपने लाइफ की जो एक बोलते ना प्रायोरिटी अपने ऊपर ले ली कि मुझे अपने हिसाब से जो भी करना है भाड़ में, मेरे को आई डोंट वॉन्ट टू थिंक ऑफ दुनिया कि ऐसा नहीं मैं कर रही हूँ, वैसा नहीं मैं कर रही हूँ, तो वॉट विल दुनिया सोचू फाई अबाउट मी. वो जब से मैंने छोड़ दिया ना, एवरीथिंग इज इन द प्लेस. एंड फिर मुझे फर्क पड़ने ही नहीं लगा. ओके, एंड नेचुरली फिर ना एवरीथिंग विल फॉल प्लेस अकॉर्डिंग टू यू. आप जैसे चीजें करोगे आपके हिसाब से चीजें नेचुरली होती भी जाएंगी, ये फैक्ट है. ओके, ओके, मेरे को पता नहीं मेकअप कैसे लग रहा है, बट मैंने कुछ तो किया. यहाँ पे बड़ा वाला मिरर नहीं है, सो आई विल नॉट बी एबल टू सी माई सेल्फ. बट एनी वेज गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, या मैंने जो भी आपको बोला वो आपको अच्छा लगा. देखो, सेल्फ लव स्टार्ट्स फ्रॉम यू. खुद से प्यार करना, खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना खुद से स्टार्ट होता है. और किसी को भी उतनी अहमियत मत दो अपने लाइफ में जो एक टाइप का आपके लाइफ में कंट्रोल ले और आपको अपने हिसाब से गाइड करे. दैट शुड बी ओनली यू. जो आपको बोलते ना, लाइक आपका जी, आपकी जो गाड़ी है वो आपको ही चलाना है. पीछे से कोई पकड़ के चलाएगा तो आप गिर सकते हो. ओके, तो वो भी तभी होती है जब भी दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है. तो वो भी हमेशा सीखो. प्लस फ्रेंड्स आते हैं जाते हैं, बाकी भी चीज़ें आती है जाती है, बट जो हमेशा रहेगा एंड जो हमेशा आपको साथ आपके साथ रहेगा या आपको देगा या आपको आगे बढ़ाएगा इज योर ओन सेल्फ एंड आपका खुद का सेल्फ बिलीव, सेल्फ लव. बिकॉज आप जब वो वीक मोमेंट में रहेंगे ना, तभी आप ही अपने आप को उठाएंगे और आप ही अपने आप को बोलेंगे चलो कर लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा. ओके, एंड देखो डाउन मोमेंट्स तो आएंगे गाइज लाइफ में गाइज, तो वो चीज़ कभी भी लेके मत बैठो एंड वो चीज़ पे ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है. मैंने ये बहुत ज़्यादा सीखा है. मेरे लाइफ में अच्छे खासे लोग हैं जो मुझे अच्छे खासे वे में गाइड करते हैं एंड यू शुड ऑल्सो हैव दोज पीपल. अगर नहीं भी है तो भी चिल मारो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आई एम देयर फॉर यू. बट माई पॉइंट इज ओनली दैट डोंट गेट डिपेंडेड ऑन एनी वन फॉर एनीथिंग. ओके, एज आई टोल्ड यू, वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, पैसे के वे में हो सकता है, या कुछ भी वे में हो सकता है. मत किसी को उतना तवज्जो मत दो अपने माँ बाप के अलावा. ओके, माँ बाप यहाँ पे होने चाहिए. ओके, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा. ऐसे बीच बीच में मैं जेन्यूनली मैं ना व्यूज का अभी नहीं सोच रही हूँ. भाड़ में गए व्यूज जो नहीं देखते, आप जो देखते हो मेरे लिए वही बड़ी बात है. एंड आपसे कनेक्ट करना मैं हमेशा चाहती हूँ, बिकॉज मैंने बहुत यूट्यूबर्स को देखा है बीच बीच में ऐसे बैठ के डिस्कशन वाले वीडियोज करता है. इट फील सो कनेक्टेड विद दैट पर्सन. सो आई थिंक आई एम गोना कंटिन्यू डूइंग दैट. और मैं जो सीखती हूँ या जो इनडायरेक्टली अपनी लाइफ में मैं आई गो थ्रू करती हूँ, तो मेरा सोशल मीडिया में रहने का क्या मतलब है? आई एम जस्ट नॉट हियर टू टीच यू मेकअप एंड स्किन केयर एंड हेयर केयर एंड ऑल ऑफ दैट. वो तो भाई आप दूसरे चैनल्स पे भी सीख ही लोगे, पर ये सब चीज़ें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट करती है. दैट इज लाइफ लेसन्स. तो हर जितना लेते हैं लाइफ लेसन्स उतना कम ही है. तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद यू गाइज ऑल्सो. तो आई होप आपको अगर ऐसे कॉन्टेंट अच्छे लगते तो मुझे थम्स अप दो. दैट विल मीन अ लॉट. एंड या गाइज, आई विल सी माई नेक्स्ट वीडियो, मतलब कल ही. एंड आई लव यू गाइज.